कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए बाबा महाकाल को विभिन्न प्रकार के फलों का भोग लगाकर विशेष आरती की गई। आरती के बाद बाबा महाकाल के मंदिर के पंडित और भक्तों ने कोविड माधवनगर अस्पताल में कोरोना मरीजों के परिजनों को महाकाल का फल प्रसाद बांटा। महाकाल मंदिर में सोमवार को संध्या आरती में बाबा महाकाल को फलों का भोग लगाया गया। यहां बाबा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। बाबा की विशेष आरती कर कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना भी की गई। यहां बाबा को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार के असंख्य फलों का भोग भी लगाया गया है। भोग के बाद यहां पंडित व भक्तों ने शासकीय माधवनगर चिकित्सालय में कोरोना मरीजों के परिजनों को फल वितरित किए। जय महाकाल अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महामहेश्वरम। आज विशाख मास सोमवार का दिन है। भगवान महाकालेश्वर को महाभोग फल का भोग लगाया गया। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व में हाहाकार मच गया है। सभी धर्म के लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजन पाठ कर रहे हैं। इसी के तारतम्य में भगवान महाकालेश्वर को मंदिर में आज फल का भोग लगाया गया। फल का भोग भगवान को महाकालेश्वर को अमृत तुल्य हो गया है। ये यहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाएगा। हॉस्पिटल में जो कोरोना के बीमार लोगों जो उनको अटेंड कर रहे हैं डॉक्टरों को सबको भगवान का प्रसाद दिया जाएगा। और भगवान महाकालेश्वर से ये विनती करेंगे कि भगवान महाकालेश्वर शीघ्र से शीघ्र कोरोना बीमारी दूर करे, सबकी रक्षा करे। जय महाकाल। दरअसल यह वे फल हैं जो बाबा महाकाल को भोग लगाए गए थे और इन्हें प्रसाद स्वरूप में बांटा जा रहा है। जानकारी देते हुए पंडित दिनेश पुजारी ने बताया कि बाबा महाकाल का प्रसाद पाकर मरीज जल्द स्वस्थ होंगे।